दुबई में चीन के ड्रैगन मार्ट को चुनौती देने के लिए पीएम मोदी ने भारत मार्ट की आधारशिला रखी। माना जा रहा है कि ये खबर दुश्मन चीन की टेंशन बढ़ा सकती है। भारत मार्ट वेयर हाउसिंग फैसिलिटी से जुड़ी एक पहल है जिसे पीएम नरेंद्र मोदी और दुबई के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने यूएई में भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया है। 1,00,000 स्क्वायर मीटर में फैले भारत मार्ट में रिटेल शोरूम, गोदाम, ऑफिस के साथ साथ कई मल्टीपर्पज फैसिलिटीज होंगी। इनसे अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों तक भारतीय एमएसएमई की पहुंच आसान होगी। अब सवाल है कि एमएसएमई कंपनियां क्या होती हैं और भारत मार्ट से इन्हें क्या फायदा होगा। एमएसएमई का मतलब है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। भारत की ऐसी एमएसएमई जो अमेरिका, अफ्रीका या यूरोप में अपने प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट की कॉस्ट कटिंग करना चाहती हैं, उनके लिए भारत मार्ट वरदान है। इससे कंपनियों को निर्यात का प्रोसेस स्मूथ बनाने और समय कम करने में भी मदद मिलेगी। भारत मार्ट के जरिए इंडियन एक्सपोर्टर्स एक ही छत के नीचे प्रोडक्ट्स की कई वैरायटीज शोकेस कर सकेंगे। लेकिन चीन के ड्रैगन मार्ट को भारत मार्ट टक्कर कैसे देगा, आइए जानते हैं। ड्रैगन शेप का ड्रैगन मार्ट चीन के बाहर चाइनीज ट्रेडिंग के सबसे बड़े सेंटर्स में से एक है। ये 1,50,000 स्क्वायर मीटर में फैला है जिसमें लगभग 4,000 रिटेल और होलसेल शॉप्स हैं। इतना ही नहीं, ड्रैगन मार्ट से सटा ड्रैगन मार्ट 2 भी खुल गया है जहां रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल जैसी सुविधाएं हैं। अब दुबई के जबल अली फ्री जोन में भारत मार्ट की आधारशिला रख दी गई है। 1,00,000 स्क्वायर मीटर में बनने वाले भारत मार्ट की लोकेशन ही उसकी यूएसपी है। डेकोरेटिव आइटम से लेकर हैवी मशीनरीज तक उपलब्ध कराने वाला भारत मार्ट 2025 तक ऑपरेशनल हो जाएगा। दुबई की लीडिंग मल्टीनेशनल कंपनी डीपी वर्ल्ड के पास इसे बनाने की जिम्मेदारी है। अब जानते हैं कि भारत मार्ट से इंडिया और यूएई के कारोबारी रिश्ते कैसे बेहतर होंगे। भारत और यूएई ने साल 2030 तक नॉन पेट्रोलियम बिजनेस को डबल कर लगभग 8.3 लाख करोड़ तक पहुंचाने का टारगेट रखा है। भारत मार्ट इसे अचीव करने में अहम भूमिका निभाएगा। इसकी मदद से इंडियन प्रोडक्ट्स न सिर्फ मिडिल ईस्ट में बल्कि अफ्रीका और सेंट्रल एशिया में भी पॉपुलैरिटी हासिल कर पाएंगे। पीएम मोदी के दुबई दौरे के दौरान भारत यूएई के बीच कई और मुद्दों पर भी बात हुई। इनमें इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, स्पेस, एजुकेशन जैसे सेक्टर्स शामिल हैं। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री शेख राशिद को दुबई में रह रहे भारतीयों के प्रति अच्छे व्यवहार के लिए भी धन्यवाद दिया।